मऊ जिले के खानपुर खुर्द गांव पंचायत की सरहद पर रिहायश पजीर यह खानदान इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है। तरक्की के तेज रफ्तार दौर में भी ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। फूस की झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले इस खानदान को एक टॉयलेट भी दस्तियाब नहीं है, जो कि हर गरीब को हुकूमत की जानिब से लाजमी तौर पर दिए जाने का ऐलान है। दरो दीवार मिट्टी के हैं, किसी झोपड़ी पर दरवाजे तक नहीं हैं। इनके लिए महफूज तरीके से ज़िंदगी बसर करना भी मुमकिन नहीं है। इस खानदान की ख्वातीन कहती हैं कि कई बार दरख्वास्त देने के बावजूद एक टॉयलेट भी नसीब नहीं हुआ। बता रहे हैं ना कि ठुसियान मेरी लड़की 16 साल की वो गुजर गई, एक ठो लड़की और गुजर गई, एक ठो में हमारे ससुर भी यहाँ गुजर गए, 2-3 साल हो गया गुजरने उनको। हम लोग के यहाँ 40 साल से ऊपर हैं, हमारे बच्चे एक भी नहीं रहे, तब से हम लोग यहाँ पर हैं, एक बच्चे भी नहीं रहे तब से यहाँ पर हैं। न घर है, न द्वार है, कुछ नहीं है, ये देख लीजिए आप लोग। आ देखिए, हम लोग को बेटी पतो हैं, हम लोग जा रहे हैं इधर उधर इधर उधर भटक रहे हैं, हम लोग के एक लाइट रून भी नहीं मिला है। अहल होने पर भी पीएम आवास योजना में मकान अलाट नहीं किया गया। घर की खवातीन और बच्चियाँ इन्हीं हालात में जीने की आदि हो चुकी हैं। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन भी नहीं मिला। ये आज भी फूस से अपने चूल्हे जलाकर अपनी दो वक्त की रोटी का इंतजाम करती हैं। इनके पास शिनाख्त के तौर पर आधार कार्ड तो मौजूद है, लेकिन इन्हीं हालात में इन्हें अपनी 3 पुश्तें गुजारनी पड़ी। घर के बेशतर मर्द मजदूरी करते हैं, कुछ सामाजिक कारकुन इनकी आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं। इन लोगों की हालत बहुत बेहतर हालत है, और देखिए बंगाल में मोदी जी आवास का ऐलान किए हैं कि यहाँ लाखों लाखों गरीबों को आवास दिया जाए, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हमारे नट बिरादरी गरीब बिरादरी है, इनको लैट्रिन नहीं है, न रहने का घर है, खपड़ैल जो मड़ई छाए भी हैं वो अभी गिरा पड़ा हुआ है। बहुत इन लोगों का हाल बहुत दूर दिन में ही लो हैं, अब बहुत परेशान हैं लोग, यहाँ तक ले कि लोग अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, और इन लोगों के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। यही तो है, सरकार धरातल पर चल रही है। हम कभी यहाँ लग रहा है कि नेपाल भी नहीं आते, एक कमर भी वितरण नहीं इन लोगों को हुआ, और हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे, इस बेचारों को भी लैट्रिन आवास मिलने का मुहैया, पढ़ने का मुहैया कराया जाए सरकार। अकलियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस खानदान के लिए हर रोज़ एक जद्दोजहद का है। हुकूमत के गरीबों के लिए फलाही स्कीम मुहैया कराने के दावे यहाँ खोखले नज़र आते हैं। ईटीवी भारत के लिए मऊ से सैयद फरहान की खसूसी रिपोर्ट।